अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लेक्चर 3 जो है वो जो पिछला लेक्चर लेक्चर 2 था, उसमें मैंने जो है ना 8 प्रॉब्लम्स जो है ना एलिमेंट्री फंक्शन उनके प्रूफ करवाने थे। एक प्रूफ जो है ना वो रह गया था, वो लेक्चर 3 में कर देता हूँ। लंबा प्रूफ है। वो क्या था कि भाई लेट करें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी पावर एन है, तो लेप्लास ऑफ टी पावर एन होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एन प्लस वन। चलें लेट्स प्रूव इट। वी नो बाय फार्मूला एल लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। सो यहाँ पर एफ ऑफ टी हमें टी पावर एन मिला हुआ है, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह टी पावर एन रख देंगे। यहाँ पर इनको सब्सटीट्यूशन प्रोसेस से आगे चलाएं अगर, तो लेट करेंगे भाई एक्स जो है एस टी के बराबर। लेट एक्स इज इक्वल टू एस टी, तो यहाँ से टी का वैल्यू कैसे निकलेगा? टी का वैल्यू निकलेगा एक्स अपॉन एस डी टी, और डी टी अपॉन विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर डेरिवेशन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एस। तो सिर्फ डी टी का वैल्यू हो तो ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा। ये सारे वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट करूँ तो लेप्लास ऑफ टी पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर, यहाँ पर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, टी का वैल्यू हमारा क्या था? टी का वैल्यू था एक्स अपान एस, तो यहाँ पर एक्स अपान एस पावर वही एन रहा, और डी टी, डी टी का वैल्यू था वन अपान एस डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स अपान एस हो गया। तो अगर यहाँ ये पावर इसको अलग दे दें एक्स को और इसको अलग दे दें, तो यहाँ पर अलग अलग दे दिया और कुछ नहीं किया। आगे चल के ये बेसिस सेम है नीचे, तो इनके पावर्स आपस में प्लस होंगे। यहाँ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन। यहाँ पर इंटीग्रल सेम रहा, यहाँ पर ये बचा, ये मैंने सेम रखा। ये जो इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर एन डी एक्स, ये बराबर होता है एन फैक्टोरियल के, तो यहाँ पर मैंने एन फैक्टोरियल रख दिया और एन फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये कैसे इसका प्रूफ है, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत कम है, प्रूफ नहीं दे रहा, अगर ये समझ नहीं आ रहा तरीका, तो आपको दूसरा मेथड भी मैं करवा देता हूँ। दूसरा मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड है कि भाई इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले पे चलाएं। इसको जो है ना, एक को यू लें, यू टी पावर एन लिया मैंने, और वी इज इक्वल टू ई पावर माइनस एस टी, इन दोनों में से। तो यहाँ पर मुझे पता है यू सेम इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ यू, ये होती है एन, आगे आ जाता है पावर टी पावर एन माइनस वन, और इंटीग्रेशन ऑफ वी, यहाँ पर ये सेम रहा, इसकी लिमिट इसको मिली हुई है, ये एन कांस्टेंट है और माइनस का एस भी, ये माइनस प्लस हो जाएगी और एन अपॉन एस कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी फैक्टर यो इंटीग्रल टी पावर एन माइनस वन और ई पावर एस माइनस टी, ये सेम रहा, ये सारा जीरो हो जाएगा। क्यों? जब ये इन्फिनिटी इस टी में पुट होगी तो ई पावर इन्फिनिटी जीरो होता है, जीरो यहाँ सब जीरो हो जाएगा, तो और लोअर लिमिट में भी यहाँ वन होगा, यहाँ जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो हो जाएगा। और ये जो है ना, यहाँ कैसे जीरो होगा? लोअर लिमिट में यहाँ टी आगे है, जीरो पुट होगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, यानी अपर लिमिट में भी जीरो, लोअर लिमिट में भी जीरो, ये टोटल जीरो हो जाएगा। यहाँ मैंने जीरो रख दिया, एन अपॉन एस ये वही है, ये मैंने सेम रखा हुआ है। अब इसकी अगर फिर से डेरिवेशन लूँ और इसको लूँ यू, इसको लूँ वी, मैं सपोज करूँ एन अपान एस, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, एन अपान एस है ये यू और ये वी, तो यहाँ इसको करूँगा तो क्या होगा? ये तो निकला हुआ है बाहर, सब सबके बाहर है, तो यहाँ क्या होगा भाई? यू सेम इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ यू, डेरिवेशन ऑफ यू, यू यानी इसका पावर आगे आएगा, ये आ गया और इससे एक माइनस होगा, एन माइनस वन में और माइनस वन करूँगा तो माइनस टू हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी अपान एस माइनस में, ये इसकी इंटीग्रेशन है, ये सब के साथ दोनों के साथ है, इसको अलग दे दिया और इसको अलग दे दिया, यहाँ पर ये जो है ना बाय अप्लाइंग लिमिट अपर और लोअर ये जीरो हो जाएगा फिर से, ये सारा यहाँ जीरो रख दिया, ये माइनस एन अपान एस सेम है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ गए, एन माइनस वन अपॉन माइनस एस, बाकी जो बचा वो रखा हुआ है। अगर इधर देखें तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो प्लस हो जाएगा एन, एन माइनस वन
आपस में मल्टीप्लाई अपॉन एस 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम रखा हुआ है। यहाँ देखें तो फिर से इसकी अगर इंटीग्रेशन, अच्छा ये क्या हुआ कि पहले एन टी माइनस वन की थी तो एन माइनस वन अपॉन एस बाहर आया था, पहले सिर्फ टी थी तो एन अपॉन एस, फिर जब एन माइनस वन हुआ यहाँ पर तो क्या बाहर निकला, एन माइनस वन बाहर निकला। अगर ऐसे ही अगर इसको मैं लेट सपोज करूँ, ये क्या है भाई, टी पावर एम माइनस टू ई पावर माइनस एस टी, ये अगर इसको बंद कर दूँ इसमें, ये इसके लेप्लास बराबर इसके होता है क्योंकि फंक्शन होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इस सारे को हटाकर मैं लेप्लास ऑफ टी पावर एन माइनस टू रख दूँ। और अगर मैं ये करता जाऊँ, इनकी इंटीग्रेशन करता जाऊँ, लेप्लास फाइंड करता जाऊँ, तो क्या होगा, मिलता जाएगा एन एन माइनस वन अपान एस स्क्वायर, तो पहले से मिला हुआ है, जब इसकी करूँगा तो क्या बाहर आएगा, एन माइनस टू अपान एस, यहाँ पर थ्री हो जाएगा, फिर जब एन माइनस थ्री की करूँगा तो जाएगा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट एन माइनस थ्री अपान एस, यूँ ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और चलते चलते यहाँ वन टू थ्री फोर जो है ना, यहाँ चलते चलते आगे चल के एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन माइनस एन हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर चला 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 आगे चलते 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 यहाँ ज़ीरो हो गया क्योंकि एन माइनस एन ज़ीरो होता है। फिर यहाँ पर जब हम आए तो ये चलते चलते यहाँ ज़ीरो, टी पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, ये यहाँ चलते चलते नीचे भी चल रहा है ऊपर भी कंटिन्यू हुए इंट एल इंटू वन। अब हमें पता है कि भाई एन फैक्टोरियल होता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर ये अप टू सो ऑन, तो इसको हटाकर एन फैक्टोरियल रख दूंगा और नीचे एस पावर है, फिर ऐसे पता नहीं कितने एस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी इनको हटाकर मैं कोई भी एस पावर एन रख दूंगा। अगर इनको रिप्लेस करूं यहाँ पर एन फैक्टोरियल यहाँ पर एस पावर एन, तो आ गया एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एन इंटू ये वाला लेप्लास ऑफ वन। अब हमें पता है, हमने पहले पहले पिछले लेक्चर में किया है कि लेप्लास ऑफ वन बराबर होता है वन अपॉन एस, तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने ये रख दिया, ये रखने के बाद यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो जवाब आ गया ऊपर एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन एन टू एस, यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर एड होंगे और ये हमारा प्रूफ हो गया। दोनों मेथड आपको मैंने समझा दिए हैं, जो आपको इजी लगे वो आप करें, इंशाल्लाह आपको समझ आए होंगे, आपके फीडबैक का वेट करूँगा। शुक्रिया।